बनी इसराइल में एक नौजवान था केफल, रोजाना नई लड़की अपने कमरे में लाता था, शराब और लड़की उसकी जिंदगी थी। एक रात एक लड़की को लेकर आया, 60 दीनार, 60 दीनार पाकिस्तान का 12 लाख रुपया बनता है और आपका 1 लाख बनता है। 1 लाख रेंट देकर वो एक लड़की को लेकर आता है, जब कमरा बंद किया तो देखा वो लड़की रो रही थी। तो किफल कहता है, मैं जबरदस्ती तो नहीं लेकर आया, डील करके लाया हूं। तो वो रोते हो रोते बोली, किफल तवायफ नहीं हूं, गरीब हूं, मुझे गुर्बत ने इज्जत बेचने तक पहुंचा दिया है। वो औरत रोने लगी, वो लड़की रोने लगी, किफल इज्जतदार हूं, मुझे गुर्बत ने तवायफ बना दिया है। तो किफल रो पड़ा और कहने लगा, मेरी बहन जिस इज्जत से आई थी चली जा, जो पैसे दिए हैं जा अपनी गुर्बत मिटा, हदिया 60 दिनार, 1 लाख रेंट बनता है, जा अपनी गुर्बत मिटा और मेरे लिए दुआ कर, मैं बहुत गंदा इंसान हूं, मैं तेरी आंसुओं को देखकर मैं भी तौबा करता हूं। वो लड़की घर पहुंची, पीछे किफल मर गया, उसको नहीं पता मौत आई खड़ी है सर पे, वो मर गया। अल्लाह आखिरत से पर्दा नहीं उठाया अल्लाह ने, वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअथून, पर्दा है, मर गया, कैसे मरा, किस हाल में मरा कुछ पता नहीं है। उसकी कदरदानी पे कुर्बान जाऊं, कल अगर ये मुर्दा मिलता ना अपने घर में, इसको किसी ने उठाना नहीं था, कमरे में ही दबा देना था, वहीं पत्थरों में इसको दबा देना था, ये ऐसा इंसान था, लेकिन वो तो तौबा कर चुका था। और तौबा के बाद की जिंदगी 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा सवा घंटा, 2 घंटे है, और 30 साल की जिंदगी जिना और शराब में है, और आधे घंटे की जिंदगी में सिर्फ नीयत की है, कल तक तो भी सूरज में नहीं देखा और मौत ने आके उठा लिया। सुबह जब हुई तो लोगों ने देखा किफल के गेट पे लिखा हुआ था, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल, लोगों अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया। ये क्यों लिखवाया, ये क्यों लिखवाया, इसलिए लिखवाया कि अब ये हमारा दोस्त है, आओ इसको इज्जत से हमारे पास पहुंचाओ। ये शराबी भी था, ये जानी भी था, ये सब कुछ था, तो इससे बड़ा कदरदान कोई है कि नेकी करने का एक दिन उसके पास नहीं। अभी आज उसने नियत की है कि आज के बाद मैं नेक बन के जिंदगी गुजारूंगा, और मौत ने मोहलत नहीं दी, खाली नियत पर मेरे अल्लाह ने क्या कर दिया, इतना बड़ा मेन गेट पे नूरानी सतर से लिखा हुआ था, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल, अल्लाह ने किफल को माफ कर लिया, यानी जाओ इसको इज्जत के साथ लेकर आओ और मेरे दरबार में पहुंचाओ, ये अल्लाह है। मेरे अजीजों, अल्लाह के वास्ते अपने अल्लाह से दोस्ती कर लो, अपने